गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ये जो फार्मूला हमने आपको आज जो फार्मूला हम बताएंगे बेटा, इससे एक क्वेश्चन आपका नीट में और दो क्वेश्चन आपका आईआईटी में पूछा जाता है। ये जो फार्मूला है इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है और डेरिवेशन आपसे पूछा भी नहीं जाता है आईआईटी मेंस में, और नीट में डेरिवेशन आपसे आता नहीं। फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर हमारे पास हम अगर डेरिवेशन आप जानना चाहते हैं तो हम जो है इसका डेरिवेशन करके जो है डेरिवेशन करके इसका वीडियो बना करके हम यूट्यूब पर अपलोड कर लेंगे, आप वहां से देख लीजिए। हालांकि डेरिवेशन आपसे पूछा नहीं जाता है, चाहे आईआईटी मेंस हो और या आपका जो है नीट एग्जाम हो। ये फार्मूला याद रखिएगा बेटा, कोई ऐसा ईयर नहीं बचा है कि इस फार्मूले से नीट में क्वेश्चन ना आए, 100% क्वेश्चन आएगा। 2013 में भी जो है इस साल 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 2020 में आपको जो 13 सितंबर का भी नीट का पेपर हुआ है उसमें भी एक क्वेश्चन इससे आया था बेटा। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, इस फार्मूला से क्वेश्चन नीट में और आईआईटी मेंस में आते हैं। एडवांस में आवश्यकता पड़ती है डेरिवेशन की, तो ठीक है ना, आईआईटी जो एडवांस होता है उसमें डेरिवेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको हम वीडियो बना करके जो इसका डेरिवेशन, इस फार्मूला आया कैसे इसका डेरिवेशन करके जो है यूट्यूब पे अपलोड कर लेंगे, आप लोग वहां से देखिए, ठीक है ना। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो बेटा आज हम स्टार्ट करते हैं, हमने बोर्थ एटॉमिक मॉडल आपको पढ़ाया था। अब बोर्थ एटॉमिक मॉडल जो होता है इतना ज्यादा सक्सेस क्यों हो गया आपका, जबकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उतना सक्सेस नहीं है जितना आपका बोर्थ एटॉमिक मॉडल जो है सक्सेस हो गया। उसके कई रीजन है, उस रीजन को आपको समझिए। देखिए लिखा है सक्सेस ऑफ बोर्थ एटॉमिक मॉडल, ठीक है ना। बोर्थ एटॉमिक मॉडल का सक्सेस क्यों हो गया आपका, तो बोर्थ एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन द फॉलोइंग फैक्ट्स, ठीक है ना। कुछ फॉलोइंग फैक्ट्स है जिसकी वजह से जो होता है आपका जो बोर्थ एटॉमिक मॉडल है वो बहुत ज्यादा सक्सेस हो गया, ठीक है ना। सबसे ज्यादा अच्छा भी यही माना जाता है, इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल सबसे ज्यादा यही है आपका, ठीक है ना। मैक्सिमम चीजें एटॉमिक मॉडल के बारे में आपका बोर्थ का एटॉमिक मॉडल क्या करता है, एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन अपनी अपनी जगह पर सभी की इंपॉर्टेंस है। जैसे थॉमसन एटॉमिक मॉडल की भी इंपॉर्टेंस है एटॉमिक मॉडल की, और रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है उसकी अपनी अपनी जगह पे सबकी इंपॉर्टेंस ही है, ठीक है। चलिए बेटा, तो पहला रीजन है फॉलोइंग फैक्ट्स, पहला स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम जो है इसको रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका वो न्यूक्लियस के अराउंड जो होता है सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या करता है, रिवॉल्व करता रहता है। लेकिन लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक कहता है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक ये कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स है अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, एनर्जी का क्या करेगा, इमिशन करेगा। और जब वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी का क्या करेगा, इमिशन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे क्या हो जाएगी आपकी, लो हो जाएगी, और जिससे इलेक्ट्रॉन क्या होता जाएगा, न्यूक्लियस के क्या होता जाएगा, नियरर आता जाएगा, और एक समय ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्या कर जाएगा, गिर जाएगा। और इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में फॉल करने का मतलब है, गिरने का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ एटम, एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो पढ़ाए थे उसमें ये वाला पॉइंट मैंने लिखाया था, जो हमने बताया अभी भी इस पॉइंट को जो है स्टेबिलिटी ऑफ द एटम लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमने लिखाया है। इसीलिए कहते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ाया उसको आप पढ़ लीजिए अच्छे से, उसके बाद जब आगे का पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत पढ़ने में मजा आएगा। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बेटा है, लेकिन कब इंटरेस्टिंग है, जब आपको पहले जो पढ़ाया गया है अगर वो आपको अच्छा से प्रिपेयर है, ठीक है ना, तभी आपको जो है आगे जो पढ़ाया जाएगा वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तभी आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग का चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट दिया स्टेबिलिटी ऑफ एटम, अकॉर्डिंग टू बोर्थ एटॉमिक मॉडल सो लॉन्ग एन इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए गिवन ऑर्बिट इट नाइदर इमिट्स नॉर एब्जॉर्ब एनी एनर्जी दस एटम इज स्टेबल, ठीक है ना। इन्होंने कहा, बोर्थ ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम्स के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करता है तो ना तो वो एनर्जी का इमिट करता है और ना तो वो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। भाई अलग से अगर एनर्जी आप नहीं दे रहे, अपने आप की बात करें, सेल्फ आपका इलेक्ट्रॉन अगर क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड जो होता है सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है,
ठीक है ना, तो वो ना तो एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, और ना तो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को इमिट नहीं करेगा, एनर्जी अब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। यानी कि लॉन्ग टाइम तक, एक लंबे समय तक, इनफाइनाइट टाइम तक इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा, न्यूक्लियस के अराउंड क्या करता रहेगा, इस सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता रहेगा, रिवॉल्व करता रहेगा, जब उसकी एनर्जी घटेगी ही नहीं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जनरेटर चला रहे हैं, उसमें पेट्रोल डालते रहिए डालते रहिए, हमेशा चलता रहेगा, ठीक है ना। लेकिन उसकी भी कैपेसिटी है, खराब हो जाए मान लीजिए अगर, ठीक है, तो कंटिन्यू उसको अगर तेल मिलता रहेगा आपका जनरेटर, तो कंटिन्यू आपको क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये इसी प्रकार, ठीक है, 10 आइटम स्टेबल, इस प्रकार आइटम क्या होता है बेटा, स्टेबल होता है, पहला पॉइंट है, ठीक है ना बेटा। सेकंड पॉइंट है, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम और हाइड्रोजन आइटम एच कॉमा एच ई प्लस बेटा, एच ई प्लस, हीलियम पे प्लस है कॉमा एल आई प्लस प्लस है ईटीसी, मतलब ये एच ई प्लस प्लस, एच ई प्लस सॉरी एच ई प्लस हीलियम प्लस और कामा एल आई प्लस प्लस, ये आपके क्या है बेटा, हाइड्रोजन लाइक एटम है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन आइटम में क्या होते बेटा, आपका वन इलेक्ट्रॉन होता कि नहीं होता हाइड्रोजन आइटम में, और एच ई जो प्लस है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वन। अगर एच ई होता तो टू इलेक्ट्रॉन होते, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर टू होता, मास नंबर फोर होता है। यानी कि हीलियम अगर एटम होता तो इसमें टू इलेक्ट्रॉन्स, टू प्रोटॉन्स और टू न्यूट्रॉन्स होते, तो आपका एच ई प्लस है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन में, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, ठीक है ना। और एल आई प्लस प्लस है आपका लिथियम, लिथियम जो आपके एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो थ्री होता है, और एटॉमिक नंबर लिथियम का थ्री जब है और न्यूट्रल है, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और जो है एटॉमिक नंबर आपके इक्वल होंगे, ठीक बेटा। फिर से सुनिए, एल आई जो प्लस प्लस है, सॉरी फिर से देखिए आपका सेकंड पॉइंट देखिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एच ई प्लस काम एल आई प्लस प्लस, ठीक है ना, ई टी सी, ये आपके एच ई प्लस और एल आई प्लस प्लस, ठीक है ना, ये आपके हाइड्रोजन लाइक आइटम है, हाइड्रोजन लाइक आइटम है। क्यों हाइड्रोजन लाइक आइटम है बेटा, क्योंकि हाइड्रोजन आइटम में आप जानते हैं, ठीक है ना, अगर हाइड्रोजन आइटम है तो उसमें वन इलेक्ट्रॉन्स और वन आपका क्या होता है प्रोटॉन्स होता है, आपका एच ई प्लस है, और हीलियम अगर आइटम है तो हीलियम आइटम आप जानते हैं, हीलियम आइटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो टू होता है, और मास नंबर कितना होता है बेटा, फोर होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर टू होता है और मास नंबर कितना होता है बेटा, फोर होता है, ठीक है ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर टू होता है और मास नंबर कितना होता है बेटा, फोर होता है, ठीक है। तो यानी कि आपका हीलियम में टू प्रोटॉन्स, टू इलेक्ट्रॉन्स और टू न्यूट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हीलियम आइटम न्यूट्रल है। लेकिन यहाँ पे एच ई प्लस है, एच ई प्लस का मतलब हीलियम आइटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, वन, टू इलेक्ट्रॉन थे, एच ई प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो आपका क्या हो जाएगा, वन इलेक्ट्रॉन होंगे। बताइए, वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आइटम में और वन इलेक्ट्रॉन एच ई प्लस में भी, और सभी सेल होंगे आपके, हमने बताया था किसी भी आइटम में अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं 118 एलिमेंट, किसी भी आइटम में सभी सेल होते हैं। ये बात अलग की है कि इलेक्ट्रॉन सभी सेल में ना हो, चाहे हाइड्रोजन आइटम ले लीजिए, चाहे आपके हीलियम आइटम ले लीजिए। हमने ये भी बताया था किसी भी आइटम में जो नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं, किसी भी आइटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है उसी सेल या ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसकी एनर्जी परमिटेड सर्टेन होती है, फिक्स होती है। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट्स में या सेल में क्या करता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो किसी भी आइटम में जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, या ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक। अभी तक के जो एलिमेंट आपके डिस्कवर हुए 118 एटॉमिक नंबर तक, इसमें सेवन सेल होते हैं, सेवन सेल तक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सेवन सेल कौन कौन होते हैं, के सेल, एल सेल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ठीक है, ये सेवन सेल तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन जो एटम है इसमें केवल के सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, के में इलेक्ट्रॉन होता है, एम, एन, ओ, पी, क्यू, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, लेकिन सेल होते हैं, ठीक है, तभी तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिला। अगर अगर ये सेल ना होते तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं मिलता, इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करता, आपको एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा आपको मिलता ही नहीं भाई। सभी सेल होते हैं, इलेक्ट्रॉन जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करता है, और जब हायर ऑर्बिट से क्या होता है लोअर ऑर्बिट में आता है तो एनर्जी का क्या करता है, एमिशन करता है आपका, तभी तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा मिला। अगर हाइड्रोजन आइटम में केवल के सेल ही होता है, एल सेल, एम सेल, एन सेल,
नहीं होते तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं बनता। लाइमन सीरीज, पास्टन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ब्रेकर सीरीज, पिफन सीरीज, हम्फ्रे सीरीज, हम्फ्रे सीरीज, ये सब सीरीज जो मिले मिलते ही नहीं आपको, ये सब सीरीज आपको मिलते ही नहीं। यानी कि हाइड्रोजन आइटम में आपके किसी भी आइटम में आपके 7 सेल होते हैं, वैसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है ना। तो 7 सेल तक इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके, अभी तक जो 118 एटॉमिक नंबर एलिमेंट का बेटा डिस्कवर हुआ है। ठीक, तो Fe प्लस है आपका, तो यानी कि ये हाइड्रोजन लाइक आइटम है, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। Li प्लस प्लस लिथियम है आपका, Li प्लस प्लस है आपका, ये Li प्लस प्लस लिथियम बेटा। तो आप जानते हैं लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, मास नंबर कितना होता है बेटा, 7 होता है लिथियम का। तो एटॉमिक नंबर 3 होता है, यानी कि अगर लिथियम एटम है आपका और न्यूट्रल है तो उसका एटॉमिक नंबर 3 होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे आपके, 3। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे आपके, 3। एटॉमिक नंबर कितना होगा, 3। लेकिन यहाँ Li प्लस प्लस है, Li प्लस प्लस का मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि लिथियम ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल दिया। तो यानी कि लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हाइड्रोजन आइटम में भी 1 इलेक्ट्रॉन और Li प्लस प्लस में भी आपका क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। Li प्लस प्लस में भी कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका Hg प्लस और आपका जो है कामा, ठीक है ना, आपका Li प्लस प्लस ETC, ये आपके क्या है, हाइड्रोजन लाइक आइटम है। फिर उसके आगे लिखा है ऑल दीज स्पीसीज कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन फॉर सच सिंथेसिस, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मे बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला। मतलब ये कह रहा है आपका एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट, मतलब वेरियस ऑर्बिट या वेरियस सेल में हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम में जो वेरियस आपके ऑर्बिट्स या सेल होते हैं उसकी एनर्जी हम बोर्थ एटॉमिक मॉडल से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये बोर्थ ने बताया है, ठीक है। ये फार्मूला हमने लिखा बेटा, आप ये केवल फार्मूला लर्न कर दीजिएगा, आपका डेरिवेशन नहीं है। डेरिवेशन अगर आप जानना चाहते हैं तो हम यूट्यूब पे वीडियो बना करके इसका यूट्यूब पे डाल देंगे। डेरिवेशन आपसे कभी भी नहीं पूछा जाता है, आपसे केवल फार्मूला याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल आता है। 2021 में नोट कर लीजिएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको इससे मिल जाएगा नीट में, 100% एक क्वेश्चन इससे आएगा। जितना फार्मूला 4-5 फार्मूला बताएंगे एक क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। और फिजिक्स में तैयार कर लेंगे, फिजिक्स में भी काम देगा। लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, पिफन, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं, तो फार्मूला क्या दिया था इन्होंने, फार्मूला देखिए, मतलब जो हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं, हाइड्रोजन लाइक आइटम्स होते हैं, इनमें जो डिफरेंट सेल होते हैं उसकी एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको बोर्ड ने बताया है। कैसे बताया, ये फार्मूला दिया है, इस फार्मूला का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए देखते हैं, ये EN फार्मूला जो दिया था इन्होंने, EN इक्वल्स टू माइनस है, ठीक है ना, माइनस है आपका, माइनस है क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होती है आपका ना, माइनस में रहेगा आपका, सिस्टम की एनर्जी होती है, ठीक है ना, बाहर से कोई एनर्जी नहीं देना पड़ता है। तो EN इक्वल्स टू माइनस 2 pi square m e to the power 4 into z square, ठीक है ना, अपॉन n square h square। ये फार्मूला को इक्वेशन हमने वन किया, इक्वेशन वन किया है, वेयर m क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, ठीक है, ठीक है ना, 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, ठीक है। और E जो होता है वो आपका जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है आप जानते हैं, 1.602 into 10 to the power into 10 to the power minus 19 कूलम, ठीक। जो N है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, तो मतलब N1 equals to 1 है, मतलब N1 equals to अगर 1 है तो हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, N1 equals to 1 है तो कौन सा चल होगा, K सेल, ठीक है ना, और N equals to आपका 2 है, सॉरी N1 कह रहे हैं, N equals to आपका 1 है तो कौन सा चल होगा, K सेल, N equals to आपका 2 है तो L सेल, N equals to 3 है तो M सेल, N equals to 4 है तो आपका N सेल, ठीक है ना। इस तरीके से जब आपका यहाँ पे क्या एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर एलिमेंट का, ठीक है ना, कितना होगा आपका, ठीक है ना, वो है आपका, ठीक। अभी जो वैल्यू दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, और आपका जो है एटॉमिक, ठीक है ना, एम ई और एन, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हैं, बताया था 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड। एच आपका प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमने आपको बताया था 6.626 × 10⁻³ जूल सेकंड। ये प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है, एच की वैल्यू होती है। तो ये वैल्यू जो होता है आपका एच, ठीक है ना, जो एच है आपका, ठीक है ना, ये क्या है आपका एच की वैल्यू, एम की वैल्यू और ई की वैल्यू, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लैंक कांस्टेंट, इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तीनों की वैल्यू आपको मालूम है, तो तीनों की वैल्यू आप रखेंगे तो आपको जो वैल्यू, जो इक्वेशन मिलेगा, वो मिलेगा आपका ईएन इक्वल टू, क्या मिल जाएगा, ईएन इक्वल टू −2.18 × 10⁻¹⁸ × Z² / N² ठीक है ना, 10⁻¹⁸ × Z² / क्या हो जाएगा बेटा, N² आपको ये फार्मूला मिलेगा, ठीक है ना, Z² / N² ये मिलेगा आपको। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर आइटम होगा, क्या हो जाएगा, जूल पर आइटम हो जाएगा आपका, ठीक है ना, जूल पर एटम। इसी को अगर हम, आपने आप जानते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल। जब हम आपको न्यूमेरिकल लगवा रहे थे तो हमने बताया था कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल, ये आपका वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है। तो आपका ये जूल पर एटम दिया है, इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहें, ठीक है ना, इसको हम क्या करना चाहें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहें, तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.602 से, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको ये वैल्यू मिलेगा ईएन इक्वल टू −13.6 Z² / N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन सेकंड हो गया, और ये इक्वेशन कितना हो गया आपका, थर्ड हो गया आपका। ठीक, अगर इसी इसी आपको जो है इक्वेशन को जो है हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो यूनिट दिया है, इसको किलो जूल पर मोल में कैलकुलेट करना चाहते हैं, किलो जूल पर मोल में, तो क्या हो जाएगा, ईएन इक्वल टू क्या हो जाएगा, −1312 × Z² / N² किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में ये फार्मूला होगा। ठीक है, तो मेन फार्मूला बेटा आपका यही है, यही याद रखिएगा, मेन फार्मूला आपका ये है, यही याद रखिएगा, इसी से मैं सारे न्यूमेरिकल लगवा दूंगा। बस इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम। बाकी कोई भी न्यूमेरिकल नीट और आईआईटी के देगा, तरस इस तरीके की ये फार्मूला याद है तो आप लगा ले जाएंगे, यही फार्मूला मेन है। कोई भी एटम होगा, इलेक्ट्रॉन का मास, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चेंज नहीं होगा। तो मेन फार्मूला आपका बेटा ये है, ये वाला फार्मूला आपका मेन है, ये याद रखिएगा। और एक इसको याद रखेंगे, साथ साथ एक चीज आपको और याद रखना पड़ेगा, एक चीज ये याद रखना पड़ेगा कि वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मान लीजिए पूछ आंसर ऑप्शन आपका किलो जूल पर मोल में दे दे, ऑप्शन आपका भाई क्वेश्चन दे दे आपको न्यूमेरिकल, और आंसर आपका किलो जूल पर मोल में दे दे या जूल पर एटम में दे दे, ठीक, तो आप कैसे चेंज करेंगे। तो जब आपको जो है ये मालूम रहे वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है आपका, ठीक है ना, 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है, ये मालूम रहेगा तो आप चेंज कर लेंगे, इसको इसमें चेंज कर देंगे और इसको इसमें चेंज करेंगे, किलो जूल पर मोल है आपका भाई, जूल पर आइटम में चेंज हो जाएगा तो किलो जूल में नहीं चेंज कर पाएंगे आप, और पर मोल, मोल में भी चेंज कर लेंगे आप, वो एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए चेंज कर लेंगे आप, ठीक है। तो ये फार्मूला मैंने ये याद रखिएगा। चलिए थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट इनका रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स, ठीक है ना, रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स कामा HE+, LI2+, ठीक है ना, ये आपका तीसरा पॉइंट ये है आपका, इन्होंने रेडियस भी बता दिया, हाइड्रोजन आइटम और हाइड्रोजन लाइक जो आइटम है, मतलब जिनमें वन इलेक्ट्रॉन हो, उसके रेडियस को, रेडियस का भी फार्मूला बता दिया किसने, बोर्स ने बता दिया रेडियस का फार्मूला, ठीक है ना, इसीलिए बोर्स का एटॉमिक मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सक्सेस हो गया आपका,
और अदर फोर्ड ये सब कुछ नहीं बता पाए थे। और क्या फार्मूला दिया, देखिए ऑल दीज स्पीसीज कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन्स डॉट लिस्ट ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला। इन्होंने जो फार्मूला दिया ठीक है ना, उस फार्मूले से जो होता है हम ऑर्बिट्स या सेल की जो होता है रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आर एन इक्वल टू दिया, एन इक्वल टू आप जानते हैं 1, 2, 3 नंबर ऑफ ऑर्बिट्स होता है। आर एन इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4π² एम इंटू ई स्क्वायर इंटू एच। बेटा इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आप फार्मूले को याद रखिए ठीक है ना। एक फार्मूला आपको इन तीनों चारों में से केवल आपको एक फार्मूला अगर ये याद है तो क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, क्वेश्चन आपको ये याद है तो क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, बाकी यूनिट चेंज करना आप जानते हैं। एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4π² एम ई स्क्वायर इंटू जेड आपका ये है ठीक है, ये आपका रेडियस का फार्मूला है। किसी भी ऑर्बिट का रेडियस अगर निकालना है ठीक है ना, अगर आपका n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 2 है, k सेल, l सेल, n सेल, n सेल का रेडियस कितना होगा, तो इस फार्मूले से हम जो है k सेल, n सेल, n सेल सभी सेल का रेडियस निकाल सकते हैं कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पर आपका k सेल है, कितने डिस्टेंस पर l सेल है, कितने डिस्टेंस पर m सेल है, कितने डिस्टेंस पर n सेल है, ये चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको हमने इक्वेशन 1 माना है। क्या माना, इक्वेशन 1 माना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज H इन इक्वेशन फर्स्ट, मतलब M की वैल्यू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या करेंगे आप यहां पुट कर देंगे। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू आप जानते हैं 6.626 इंटू 10⁻³⁴ जूल सेकंड ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पे तीनों की वैल्यू आप पुट कर देंगे, एच की वैल्यू एच की जगह रख देंगे, एम और ई की जगह आप रख देंगे, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा ठीक है ना, आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, एन स्क्वायर इंटू 0.529 इंटू 10⁻¹⁰ मीटर अपॉन जेड ठीक है ना, यूनिट जो आएगा वो मीटर में आएगा अपॉन जेड ठीक, इक्वल करके इसको क्या लिख सकते हैं, अगर मीटर को 10⁻¹⁰ जो मीटर है इसको हम एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहते हैं, तो आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻¹⁰ मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻¹⁰ मीटर होता है, ये आप जानते हैं ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, अब 10⁻¹⁰ की जगह क्या लिख देंगे, एंगस्ट्रॉम लिख दिया गया, देखिए एन स्क्वायर इंटू 0.529 इंटू 10⁻¹⁰ अपॉन जेड मीटर, तो इसको 10⁻¹⁰ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगस्ट्रॉम, तो इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम अपॉन जेड, इक्वल इक्वल करके हम क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल टू फिर लिखा है आपका एन स्क्वायर ठीक है ना, एन स्क्वायर इंटू पीकोमीटर में, एंगस्ट्रॉम को अगर हम पीकोमीटर में लिखना चाहें, जो आपका रेडियस आ रहा है वो एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, अगर रेडियस को हम पीकोमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो आप जानते हैं 1 पीकोमीटर इक्वल टू क्या होता है बेटा, 10⁻¹² मीटर, 1 पीकोमीटर इक्वल टू क्या होता है 10⁻¹² मीटर ठीक है ना। तो आपका एंगस्ट्रॉम में है तो इसको आपको पीकोमीटर में चेंज करना है, इसमें चेंज करना पीकोमीटर में, तो एन स्क्वायर इंटू आपका 0.52 है यानी कि -2 आपका पावर ज्यादा है आपका पीकोमीटर का, तो डिसिमल 2 पॉइंट क्या जगह इधर शिफ्ट हो जाएगा आपका, डिसिमल क्या हो जाएगा आपका इधर आपका शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका भाई, ये आपका 0.529 इंटू 10⁻¹⁰ है, तो अगर हम पॉइंट को यहां ले जाएंगे तो 52.9 इंटू 10⁻¹² हो जाएगा, और 10⁻¹² को हम कह सकते हैं पीकोमीटर, एन स्क्वायर इंटू 52.9 आपका अपॉन जेड, जेड ये क्या जाएगा बेटा पीकोमीटर, वेयर एन इक्वल टू क्या है 1, 2, 3, 4 ETC ये आपका है ठीक है, ये आपका है ठीक है ना। अब बेटा इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, बेटा इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, कमेंट करके बताइए, बता दीजिए। अच्छा पॉइंट नंबर 1 बता दें फिर से, चलिए पॉइंट नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए आपका जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है
स्टेबिलिटी ऑफ आइटम जो है इसको जो है आपका जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। इसीलिए रदरफोर्ड का ये ड्रॉबैक था या लिमिटेशन था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने कहा कि आपका जो किसी भी आइटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ये आपका रदरफोर्ड ने कहा है। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक क्या कहता है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में अगर रिवॉल्व कर रहा है तो कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, एनर्जी का क्या करेगा, इमिशन करेगा। और जब वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी का इमिशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी धीरे धीरे क्या कर जाएगी बेटा, डिक्रीज किया जाएगी। और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब धीरे धीरे डिक्रीज करेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस के क्या आता जाएगा, क्लोज आता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिल्कुल कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन आके कहाँ गिर जाएगा, न्यूक्लियस में। और इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस में गिरने का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ एटम, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इट मींस स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा रदरफोर्ड, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करता है बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसीलिए ये मॉडल आपका सबसे ज्यादा सक्सेस है, ठीक है। सबसे ज्यादा इसको अथॉरिटी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंसी इसी को दी जाती है, बोर्स एटॉमिक मॉडल को ही दी जाती है। चलिए, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ बता दिया, एनर्जी भी बता दिया, रेडियस भी बता दिया, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें इन्होंने बता दी आपका एटम के बारे में। तो इन्होंने क्या बताया स्टेबिलिटी ऑफ एटम में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, सो लॉन्ग एन इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन ए गिवन ऑर्बिट इट नाइदर इमिट्स नॉर एब्जॉर्ब एनी एनर्जी, दस एटम इज स्टेबल, ठीक है। इन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अराउंड जो होता है सर्कुलर ऑर्बिट्स में या सेल में रिवॉल्व करता है तो इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी का इमिट करेगा और ना तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। हाँ, ये बात अलग है, बाहर से कोई एनर्जी दे दीजिए, बाहर से आपने एनर्जी दे दिया तो इलेक्ट्रॉन जंप करके जो है लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाएगा, लेकिन कितने टाइम तक रहेगा, हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में 10^-1 सेकंड तक, अप्रोक्सीमेट 10^-8 सेकंड तक आपका इलेक्ट्रॉन जो है हायर सेल में रहेगा, फिर आपका उसी सेल में आ जाएगा जिस सेल में वो पहले था। जैसे मान लीजिए के सेल में इलेक्ट्रॉन है, हमने इसको इतनी एनर्जी दे दी कि इलेक्ट्रॉन के सेल से जंप करके एन सेल में चला गया, के सेल से जंप करके इसमें चला गया आपका एन सेल में चला गया, तो कितने टाइम तक एन सेल में रहेगा आपका, 10^-8 सेकंड तक। फिर क्या करेगा, एन सेल से किसमें चला आएगा आपका, के सेल में चला जाएगा, क्योंकि आपका जो होता है जब के सेल से एन सेल में जाएगा आपका तो जिस वेवलेंथ जिस फ्रीक्वेंसी एनर्जी का लाइट रेज एब्जॉर्ब किया था जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के सेल से एन सेल में गया, ठीक। और जब वही इलेक्ट्रॉन एन सेल से के सेल में आएगा तो जिस वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एनर्जी का लाइट रेज एब्जॉर्ब किया था फ्रीक्वेंसी का क्या कर देगा, इमिट कर देगा जब आपका इलेक्ट्रॉन एन सेल से के सेल में आएगा, यानी कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। और जब न्यूक्लियस से अबे होते जाते हैं तो एनर्जी लेवल क्या होता है बेटा, इंक्रीज करता है, के सेल एन सेल एन सेल एन सेल ओ सेल के सेल के लिए इवन होता है, ठीक है ना। के सेल एल सेल के लिए आपका E2 होता है, एम सेल के लिए E3 होता है और एन सेल के लिए E4 होता है, ये एनर्जी लेवल है, ठीक है ना, क्या आपका एनर्जी लेवल है। तो इलेक्ट्रॉन जब होता है न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर में रिवॉल्व करता है तो ना तो ये एनर्जी इमिट करेगा और ना तो ये एब्जॉर्ब करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और जब ये एनर्जी इमिट नहीं करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो क्या इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी घटेगी, बोलिए भाई। जब इलेक्ट्रॉन आपका एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना तो इमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, जैसे हमको रनिंग करने के लिए कह दिया जाए तो हम थोड़े दूर दौड़ते थक जाते हैं, क्यों थक जाते हैं, क्योंकि जब हम दौड़ते हैं तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है जो ग्लूकोज होता है आपका वो लॉस हो जाता है, कुछ दौड़ने की वजह से लॉस हो जाता है, कुछ रिस्पायरेशन में लॉस हो जाता है, कुछ हमारे बॉडी के स्वेट के रूप में निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ना तो एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी का ना तो इमिट करेगा जब सर्कुलर ऑर्बिट में न्यूक्लियस अराउंड रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, यानी कोई इनफाइनाइट टाइम या लॉन्ग टाइम तक आपका आइटम में एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करेगा बेटा, रिवॉल्व करता रहेगा। इसी प्रकार जो है यही चीज उन्होंने बता दिया कि आइटम्स क्या होता है, ठीक है ना, 10 आइटम इज स्टेबल। इस प्रकार क्या होता है आपका आइटम स्टेबल होता है बेटा। किसी को और किसी पॉइंट में प्रॉब्लम, किसी स्टूडेंट को किसी और पॉइंट में प्रॉब्लम बेटा कमेंट करके बताइए, आगे बढ़े। पॉइंट नंबर 2-1 नहीं सर, पॉइंट नंबर 2-1 नहीं सर। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 बताना है। चलिए, पॉइंट
चलिए पॉइंट नंबर टू देखिए कि आपका जो होता है पॉइंट नंबर टू ये है कि हम जो है एनर्जी ऑफ जो आपके किसी भी आइटम में जो डिफरेंट सेल होते हैं, हमने बताया था किसी भी जो आइटम में वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल होते हैं, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट या सेल में रिवॉल्व करता है जिसकी एनर्जी सर्टेन परमिटेड होती है। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट या सेल में आपका क्या करता है, रिवॉल्व करता है एटम में न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, और किसी भी एटम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। लेकिन अभी तक जो जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए एटॉमिक नंबर 118 तक, ठीक है, इसमें यह देखा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो 7 सेल तक पाए जाते हैं, मतलब के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ सेल, पी सेल और क्यू सेल, इतने सेल तक इलेक्ट्रॉन क्यू के बाद भी होता है, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी और भी सेल होते हैं आपका। लेकिन अभी तक जितने भी एलिमेंट जो डिस्कवर है 118 तक, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 7 सेल, और 7 सेल्स क्या होता है आपका के एल एम एन ओ पी क्यू, क्यू तक आपका जो होता है वो आपके इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारा हाइड्रोजन आइटम है ठीक है ना, और सभी आइटम में ये 7 सेल होंगे आपके, सभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मिला है, अगर ये सभी सेल नहीं होते तो हाइड्रोजन में आपके स्पेक्ट्रम नहीं मिलता आपका, क्योंकि स्पेक्ट्रम तभी मिलेगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा आपका लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, या हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा, तो जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहेंगे। जब इलेक्ट्रॉन जो होता है क्या होता है आपका हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी में आएगा तो क्या करेगा एनर्जी का इमिशन करेगा, तब जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसे हम कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा, क्या कहेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा कहेंगे, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आइटम है, हाइड्रोजन लाइक आइटम, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन आइटम में क्या होता है, कितना वन इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन आइटम में क्या होता है आपका वन इलेक्ट्रॉन होता है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन आइटम में क्या आपका वन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आइटम में होता है, ठीक है। और आपका एच ई प्लस हीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका क्या होता है टू होता है, हीलियम का एटॉमिक नंबर टू होता है, मास नंबर फोर होता है, यानी कि हीलियम जो आइटम है उसमें टू इलेक्ट्रॉन्स टू प्रोटॉन्स और टू न्यूट्रॉन्स होंगे, लेकिन एच ई प्लस है यानी कि वन पॉजिटिव चार्ज, यानी कि हीलियम आइटम में टू इलेक्ट्रॉन थे इसने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपका, तो हीलियम के पास कितने बचे वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, हीलियम के पास कितने बचे वन इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि जो एच ई प्लस है वो हाइड्रोजन लाइक आइटम है, क्यों, क्योंकि आपका हाइड्रोजन आइटम में भी वन इलेक्ट्रॉन होंगे और एच ई प्लस में भी वन इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर इसके बाद ये एल आई प्लस प्लस दिया है, एल आई प्लस प्लस जो है आपका लिथियम है, इसमें क्या होंगे आपके, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर थ्री होता है, मास नंबर कितना होता बेटा, मास नंबर कितना होता आपका 7 होता है आपका, एटॉमिक नंबर थ्री है यानी कि अगर लिथियम आइटम है तो इसमें एटॉमिक नंबर थ्री होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी थ्री होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे आपके थ्री होंगे लिथियम, लेकिन आपका एल आई प्लस प्लस है यानी कि टू इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, तो जब लिथियम आइटम था तो थ्री इलेक्ट्रॉन थे, अब एल आई प्लस प्लस हो गया मतलब आयन बन गया, यानी कि टू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है, टू इलेक्ट्रॉन जब डोनेट कर देगा तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो पूछेंगे तो एल आई जो प्लस प्लस है इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है वन इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि जो इसका भी स्पेक्ट्रम कैसा मिलेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जैसा ही मिलेगा, इसलिए एल आई प्लस प्लस या हाइड्रोजन लाइक आइटम है, ठीक है, ऑल दीज स्पीसीज। और हम जो है रदरफोर्ड जो है क्या कहते हैं रदरफोर्ड भी सेकंड पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि ऑर्बिट्स की जो होता है डिफरेंट ऑर्बिट्स जो होते हैं आइटम में उनकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी रदरफोर्ड ने नहीं बताया था, तो इसको जो है बोर्स ने बताया, ठीक है ना। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया जो आपके आइटम्स में डिफरेंट सेल्स या ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, के सेल की कितनी एनर्जी होगी, एल सेल की कितनी एनर्जी होगी, एम सेल की कितनी एनर्जी होगी, एन सेल की कितनी एनर्जी होगी, इसके लिए इन्होंने फार्मूला दिया। फार्मूला का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है और पूछा भी नहीं जाता है नीट में, आप केवल फार्मूला याद रखिएगा, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं हर साल आपका नीट में आईआईटी में एक न्यूमेरिकल आपका इससे आते ही आते हैं। 2020 में 13 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसमें भी आपका जो है इससे क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है। तो वो फार्मूला इन्होंने क्या दिया एनर्जी का, देखिए EL इक्वल्स टू माइनस जेड पाई स्क्वायर एम इंटू ई टू द पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ठीक है ना।
और यहाँ पे आपका पाई जानते हैं कि वैल्यू कितनी होती है, 22.7 या जो है 3.14। वेयर एन क्या है यहाँ पे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। एन क्या है आपका, वही सेल नंबर, ऑर्बिट नंबर 1, 2, 3। एन की वैल्यू बताया था 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्रीवियस लेक्चर में। एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एन की वैल्यू अगर 1 है, स्मॉल एन है, एन की वैल्यू 1 है तो के सेल होगा, एन की वैल्यू 2 है तो एल सेल होगा, एन की वैल्यू 3 है तो एम सेल होगा, ठीक है ना। एन की वैल्यू अगर आपका 4 है तो आपका क्या होगा, एन सेल होगा आपका, और इनटू एच स्क्वायर आपका, ठीक है ना। वेयर एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और एन जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स है, और जेड एटॉमिक नंबर, और एच यहां पे क्या, प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था इसकी वैल्यू भी कितनी होती है आपका, 6.626 × 10⁻³⁴ जूल सेकंड, ये होता है आपका। तो आप जो है एम, देखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और प्लैंक कांस्टेंट, एम ई और एच की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है कितना होता है, 9.1 × 10⁻³⁰, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी आपको मालूम है 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपका, 9.1 × 10⁻³⁹ केजी, ठीक। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, तीनों वैल्यू पुट करेंगे आप तो आपको फार्मूला क्या मिलेगा, En इक्वल्स टू −2.18 × 10⁻¹⁸ जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, आपको ये मिलेगा। ये क्वेश्चन आपका सेकंड हो गया, ये क्वेश्चन फर्स्ट है, और यूनिट किस में हो जाएगा, जूल पर एटम, और इसी जूल पर एटम को हम अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना चाहते हैं तो आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, 1.602 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये 1 इतना जूल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल, 10⁻¹⁹ जूल, ये इतना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतना होता है, ये हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, −13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है ना। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, −13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो जाएगा, ये क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा, ठीक। ये इक्वल टू आपका दिया है, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, आपका मेन फार्मूला यही है, यही याद रखिए, से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे आपका। अगर इसी इसके यूनिट को हम चेंज करना चाहते हैं, किलो जूल पर मोल में चेंज करना चाहते हैं, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, −1312 × Z² / N² किलो जूल पर मोल, ये आपका है एनर्जी का। आप बताइए किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, नहीं तो आगे बढ़े। शिवम पटेल विशाल बेटा, किसी पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, आगे बढ़े नहीं तो बोलो बेटा, किसी पॉइंट में किसी को कोई कंफ्यूजन, ठीक बेटा आगे देखते हैं थोड़ा सा, और इसमें रेडियस वाले में थोड़ा सा बाकी है, उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना, तब आगे देखते हैं। रेडियस वाले जो थर्ड पैनल होता है, रेडियस को इसको देख लीजिए ना, फॉर एच आइटम, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड फॉर एच ई प्लस आइटम, थर्ड देखिए फॉर एल आई प्लस प्लस आइटम, एल आई प्लस प्लस आइटम, ठीक। इसके लिए जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 1, ठीक है, और इसके लिए एटॉमिक नंबर आपका 2, इसके लिए एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा,
थ्री, और n की वैल्यू कितना हो जाएगा इसके लिए 1, 2, 3 डॉट डॉट etc. इसके लिए n की वैल्यू 1, 2, 3 डॉट डॉट etc. इसके लिए आपका n की वैल्यू कितना हो जाएगा आपका n इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट etc. जी बेटा आपका फॉर हाइड्रोजन एटम, फॉर HE एटम और फॉर Li प्लस प्लस एटम के लिए एटॉमिक नंबर 1, 2, 3 ठीक है ना, और n की वैल्यू 1, 2, 3 इतना आएगा. ये आपका फार्मूला रखेंगे रेडियस वाले में तो आपका जैसे n इक्वल टू 3, तो n इक्वल टू 3 कौन सा सेल होता है, के एल एम वाला होता है. यहाँ पे रखेंगे तो n सेल की कितनी रेडियस होती है आपका निकल जाएगा इन तीनों का. हाइड्रोजन का भी निकाल लेंगे हम, अब अगर आप लिथियम Li प्लस प्लस का निकालते हैं तो n इक्वल टू जब 3 रखेंगे तो एटॉमिक नंबर कितना रखेंगे 3. लेकिन अगर Hc प्लस का आपको रेडियस निकालना है और जो है n सेल का निकालना है, m का मतलब 3, n इक्वल टू 3 निकालना है, तो ये 3 रखेंगे और एटॉमिक नंबर 2 रखेंगे, 1 मत रखिएगा, एटॉमिक नंबर 2 रखिएगा तो आपका निकल जाएगा ठीक है ना. ऐसे हाइड्रोजन एटम को निकालना तो एटॉमिक नंबर 1 रखेंगे ठीक है बेटा. तो आज इतना ही रहने देते बेटा, इसके आगे हम जो है कल देखेंगे. तो थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डे. किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है. शिवम पटेल बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? शिवम पटेल बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? बेटा देखिए एक चीज आप जान लीजिए, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जान लीजिएगा बहुत, और टिपिकल चैप्टर भी, इसको न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं न्यूमेरिकल ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट. आप इसको तैयार कर लेंगे तो कम से कम 3 नंबर आपका जो है आपका नीट में रखा है, 3 क्वेश्चन इससे आते हैं, एक क्वेश्चन तो हर साल ही आएगा इससे क्वेश्चन आना ही आना, लेकिन पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से ये मान के चलिए 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो पूरा इससे आ जाएगा और 1-2 क्वेश्चन और आपके आते हैं, कम से कम मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके इससे आएंगे, मैक्सिमम 3 भी आ जाता है नीट में ठीक. शिवम पटेल कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए बेटा, नहीं तो आगे बढ़े. शिवम पटेल ठीक है बेटा, थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट डेज.